सभी को मैं क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आपको पता है ईश्वर कौन है? ईश्वर सत्य है, ईश्वर प्रेम है, ईश्वर दया, शांति, क्षमा है। दुखी, दलित, गरीब, बेसहारों के, दिव्यांग लोगों को मदद करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, जिससे हमारे पाप जो है वो धुल जाते हैं। मैं आप सभी को इस क्रिसमस के खुशियाँ के लिए हम लोग आपके साथ खुशियाँ बांटने चाहते हैं, और हम ये चाहते हैं कि हम किस तरह से लोगों की सेवा करना चाहिए। दोस्तों, जो देख नहीं पाता उसकी आग बनना चाहिए, जो चल नहीं पाता उसकी हम लाठी बनना चाहिए, जो रो रहा है उसके आंसू पोंछना चाहिए, जिसको खाना नहीं मिलता है उसको हम अन्नदान करना चाहिए, प्यासे को पानी देना चाहिए, ये हमारी सेवा करना चाहिए। दोस्तों, हमारे इस देश में इतने बेसहारे लोग हैं, इतने गरीब लोग हैं, इतने दिव्यांग लोग हैं, जिसकी सेवा करने के लिए शायद ईश्वर ने हमको चुना हुआ है। इसलिए हम उनके दुख में, हम उनके सुख में जाना चाहिए, उनका सहयोग करना चाहिए। हम घर घर जाकर आपके घरों में हम लोग आते हैं, मिलते हैं, एक क्रिसमस की खुशियाँ बांटते हैं, वो इसीलिए हम चाहते हैं कि आपके घर में सुख शांति रहे, आपके घरों में जो अंधेरा है वो अंधेरा दूर हो जाए। दोस्तों, हमको सेवा, सेवा में ही भगवान मिलता है। आप जानते हैं, अगर हम लोग इस तरह से सेवा करते हैं तो हमको ईश्वर हर तरीके से मदद करते हैं, और हमारी खुशियाँ हमारे साथ और हम लोग दूसरों के साथ बांटने के लिए मदद हो जाती है। दोस्तों, मुझे इतना बताना है कि अगर हम किसी की मदद करते हैं तो ईश्वर हमारी ज़रूर मदद करता है। इसलिए प्रेम भाव से रहना ही हमारा एक सच्चा मार्ग है, ये ईश्वर ने हमको बताया है। इसलिए मानव से प्रेम करो, मानव की मदद करो, मानव की सेवा करो, यही हमको बताने का है। साथ में मैं एक दो पंक्तियाँ आपके साथ सुनाना चाहती हूँ। मानव मानव से प्यार करे, यही सबसे बड़ी तेरी पूजा है। सच्चाई और न्याय से बढ़कर धर्म ना कोई दूजा है। हमारे ईश्वर ने यही हमको सिखाया है कि हरदम हम सत्य का मार्ग चलना चाहिए, और सत्य से रहेंगे तो हमारे हाथों से कोई पाप नहीं होगा। अगर गलती से भी हमारे हाथ से पाप हो जाता है तो हम ईश्वर के शरण में जाके अपने पापों का, अपने गुनाह की माफ़ी हमने मांगना चाहिए। यही मैं आप सबको संदेश देना चाहती हूँ, और इस आने वाले क्रिसमस को आप सबको हार्दिक क्रिसमस की खुशियाँ और हार्दिक शुभकामनाएँ देती हूँ। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद। यीशु प्रभु के बर्थडे के टाइम पे सब खुशियाँ मनाते हैं, और सेंटा क्रॉस आके सबको चॉकलेट बांटते हैं खुशी मनाने के लिए। चर्च जाके वापस सजावट करके फिर ये पूरे लोग आए, हमारे को खुशियाँ दे।